दादाजी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेंगे। आप नहीं जानते हसान को, वो एक नंबर का बदतमीज है। मैं बाबा को भी उससे बहस करने से रोकती थी। तो कहीं ना कहीं से मालूम कर लेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम यहां हर तरह से महफूज हो, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे हसान से डर लगता है दादाजी। मैं उसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी तलाश में रोजाना यूनिवर्सिटी जाता होगा। अगर मैं उसे कहीं मिल गई ना, तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हसान ऐसा ही है। लगता है तुम्हारा डर खत्म करना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ वहां चलो। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना, हम अभी और इसी वक्त वहां पर जाएंगे। शाज़ेब, तुम कहीं नहीं जा रहे। इस मामले को मैं खुद देखता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। दादाजी, आप प्लीज परेशान ना हो। मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूं। मैं गाड़ी में जा रहा हूं, बाहर आ जाऊं। दादा जाओ, देखते हैं क्या होता है।